देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3604 नए मामले सामने आ चुके हैं और 87 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756 हो गई है, जिनमें से 46,008 एक्टिव केस हैं। हालांकि 22,455 लोग ठीक भी हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,293 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरे देशों की तरह भारत में भी कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और हाल ही में बीते एक महीने में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार में तेजी देखने को मिली है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान में हालात सबसे खराब हैं। यहाँ कोरोना वायरस के केस सबसे ज्यादा हैं, जिनमें टॉप पर है महाराष्ट्र, जहाँ 23,401 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,786 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 868 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के कहर से जूझ रहे गुजरात ने दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है, जो बेहद दुख की बात है। यहाँ कुल मामले 8,541 हो चुके हैं और 513 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2,780 लोग ठीक हुए हैं। वहीं इस बीच तमिलनाडु की भी स्थिति बेहद खराब हुई है, इतनी खराब कि वो दिल्ली को पीछे छोड़ चुका है और 8,002 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर आ चुका है। यहाँ 53 लोगों की जान जा चुकी है और 2,051 लोग ठीक हुए हैं। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ 7,233 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,129 लोगों के ठीक होने की खबर है, जबकि 73 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राजस्थान में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ 3,988 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,264 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 113 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच लॉकडाउन खत्म होने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण पर काबू पाते हुए लॉकडाउन को किस तरह से खोलना है और आगे की रणनीति क्या होने वाली है, इसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है।